सीरीज में एक से बढ़कर एक डायलॉग सुनने को मिलेंगे। जब धनंजय राजपूत को अनंत समझाता है तभी अस्वीकार करने के लिए स्वीकार करना जरूरी है। काव तभी बढ़ेंगे जब आप उसे स्वीकार करेंगे। दूसरा, जिसमें दूसरों के कारण अपने जीवन का आनंद न लेना, ये तो जीवन का ही अपमान है। और सीजन 1 और 2 में एक पॉपुलर डायलॉग है, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही आरंभ है। यह सीरीज की BGM डार्क थीम आपको फील कराता है कि आप कुछ हटके देख रहे हो। असुर सीजन 1 में हमने देखा कि असुर यानी कि शुभ जोशी इस बार भी अच्छे लोगों को मारने का सिलसिला चालू रखता है। वो सब अच्छे लोगों को मारने लगता है। असुर का मकसद सिर्फ यही है कि कलयुग को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाए और जिससे भगवान विष्णु को कल के अवतार लेकर धरती पर आना पड़े। और सीजन 2 में धनंजय राजपूत तोड़ चाड़ के एक आश्रम में चले जाते हैं अपने मन की शांति के लिए। निखिल को अपनी बेटी की मौत के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता। तभी असुर यानी कि शुभ जोशी अपने मकसद को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। सीरीज में क्राइम थ्रिलर सस्पेंस एकदम अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा। सीरीज हमारे पुराणों के बारे में बताया गया है। सीरीज में अपने पुराणों के बारे में ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी कहीं नहीं सुने होंगे, जैसे कि वो अर्जुन वाला किस्सा। सीरीज में जितने भी कैरेक्टर है सब ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। और लास्ट में जो एपिसोड खत्म होता है तभी एक हिंट देखने को मिलेंगे कि असुर 3 आने वाली है। लास्ट में तारीफ करना चाहेंगे उन राइटर की जिसने स्टोरी लिखी, एकदम कमाल की स्टोरी है। और सीरीज देखना मत भूलना क्योंकि जियो सिनेमा में फ्री में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण नहीं घटती।